तो भाई साहब हम 10-12 सीढ़ियां चढ़े हैं और यहीं से हमारा जो जसोल नगरी का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर हो गया है। और ये टंकी है, ये जसोल नगरी है। देवी बाबा अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा से कम नहीं है। तो भाई साहब यह हमारे जी का मुख्य मंदिर यहाँ और ये जो नंदी है उनका हमने वीडियो बना दिया है। नमस्कार मित्रों, तो श्रावण के द्वितीय सोमवार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम द्वितीय सोमवार का कुछ मूड इस तरह बना है कि पास के ही अपने जसोल वाले पहाड़ में अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महादेव जी के। हमारे साथ है मिस्टर मनोज एंड मिस्टर नरपत। तो हमारी 3 टिकड़ी चल रही हैं अभी इस ट्रेवलिंग सफर पर। देखिए हमारे जसोल का भगर है, जो पहाड़ हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं मजीषा के महल के कारण। ठीक है, तो क्योंकि जो मजीषा का महल है, मजीषा का ससुराल है ये जसोल, तो उनका महल था, माँ मजीषा यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, तो उनका महल जो बना हुआ था ना भाई साहब, उसी के लिए ये भगत भी प्रसिद्ध हो गया और बीच में बना दिया गया महादेव जी का मंदिर पहाड़ पर। ये है पहाड़, ये है टंकी, यहाँ से पूरा सप्लाई होता है पानी। ये पहाड़ है, ये हमारे दोस्त लोग, हमारे भाई लोग और हमारे जंगी। तो भाई साहब हमने कैमरा चेंज कर लिया है और हम अपने रेडमी नोट 5 11 प्रो से हम अपने 1+ पर आ गए हैं भाई के। भाई साहब हम अपनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं यहाँ से, अभी ये मंजिल है, जो सफर है वो शुरू होने वाला है यहाँ से। तो भाई साहब हम 10-12 सीढ़ियां चढ़े हैं और यहीं से हमारा जो जसोल नगरी का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर हो गया है यहाँ से। अर्ध सुंदर कह सकते हो आप और बहुत सुंदर भी कह सकते हो आप। ये जो आपको टंकी दिख रही है ये ऊपर जाकर बहुत ही एकदम सूक्ष्म अवस्था में दिखेगी आपको। और ये जसोल नगरी है हमारी रेवास आवासीय और वहाँ पर देखिए लूनी रिवर है जो अपने प्रकोप के साथ बह रही है, वो भी दिख रही है यहाँ पर, देखिए बहुत दूर तक। ठीक है, और ये है हमारे तो हमारे दोस्त लोग हैं वो आ रहे हैं कैमरे में पीछे लोग। ठीक है, ठीक है, अभी हमारी जो मंजिल है बहुत दूर है, बहुत दूर तो नहीं है, लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है, आराम से तय करेंगे बस। ठीक है, धीरे धीरे हम आराम से चढ़ेंगे। तो भाई साहब लगभग आधा पार चढ़ने के बाद हम थकान महसूस कर रहे हैं, तो बैठे हैं यहाँ पर आराम कर रहे हैं, यात्री को देख रहे हैं, कोई थका हुआ है तो कोई हालात से परेशान, कोई रास्तों से जूझ रहा है तो कोई अपनी परिस्थितियों से। ठीक है, कोई किसी को मंजिल भी आ रही है तो किसी को मौत। तो चलिए फिर से चढ़ते हैं आगे। ये भी बाबा अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि अपने ही गांव में अच्छी यात्रा होनी बहुत ही खुशखबरी की बात है हमारे लिए। ठीक है, हमने सोमवार का व्रत भी रखा, पूरे श्रावण का व्रत रखा हमने। तो भाई साहब 10-15 मिनट चलने के बाद पूरा पहाड़ हमने ऊपर चढ़ लिया है और मंदिर भी पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे मंदिर है और ऊपर भी मंदिर है, आगे भी मंदिर है, नंदी महाराज भी है। ठीक है, और खेत कल्याण भी हैं और हमारी जसोल नगरी भी है, अति सुंदर, अति रमणीय, अति मनमोहक दृष्टि के साथ देखा जा सकता है जसोल नगरी को। ठीक है, और ऊपर काफ़ी सारे बादल हैं और अभी समय भी नहीं हुआ है सूर्यास्त का, लेकिन बादल है ना, सूर्यास्त पहले कर चुके हूँ। ठीक है, चलिए भाई साहब आपको खेत खलिहान दिखाते हैं हम, किस प्रकार का नज़ारा है जो खेतों का दिखता है हमारे यहाँ पे। भाई साहब इसका कहना है कि हमारे खातिर हुए हैं ये मोबाइल बंद हुए हैं केदारनाथ में, लेकिन हमारी एक इच्छा, हम यूट्यूबर्स लोग हैं यार, अपनी मनोकामनाओं का पूर्ण करना ही हमारा जीवन है और लोगों को मनोरंजन करके दिखाना ही हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़ सकते, भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, भले ही मंदिर में फ़ोन बंद कर दिया जाए। ये तो आप भाई साहब आप केदारनाथ की बात कर रहे हो, हम तो दिल्ली जाकर आए हैं, वहाँ पर हमने वो कौन सा मंदिर अक्षरधाम वो भी यात्रा की है, लेकिन वहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं था, मोबाइल फ़ोन, लेकिन हमने एडजस्ट किया ना, यात्रा तो की ना पूरी, सब दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी घूम लेते हैं यहाँ, एक एक कोने का पता लगाते हैं गाँव का, किस किस प्रकार का है। ठीक है,
रहने लायक जगह कहाँ पर है, खड़े रहने लायक जगह कहाँ पर, वीडियो लेने लायक जगह कहाँ पर है। तो मित्रगण हम अभी 2020 हैं पहाड़ के, ठीक है, बाद 2020 अलग इधर से आ रहा है अपनी प्रकृति का, ठीक है। मनुष्य कुमार है वो हवा में ही झूमता हुआ। आत्मा हूँ दर्शन नहीं, अरे इन्हें देख ले अजय। तो ये है मुख्य मंदिर महादेव का, ठीक है। तो हम यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, यहाँ पर जोत लगी हुई है, प्रसाद वगैरह लेकर आए नहीं, मन से इच्छा रखते हैं महादेव, ठीक है, इसलिए हमने पूरा ये दर्शन किया है, अभी हम निकलने वाले हैं। तो ऐसा भी है महादेव जी का मुख्य मंदिर, यहाँ पर है हमारे साथी लोग और ये जो नंदी हैं इनका हमने वीडियो बना दिया है। वहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं थी तो हम थोड़ा झिझक रहे थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बाहर आ गए, ठीक है। ये मुख्य मंदिर के पास ही शिवलिंग है, लोग वहाँ पर जल अर्पित करते हुए, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, हम भीड़ सही से बना नहीं पाए, जाएंगे फिर ऊपर, ठीक है। हम ना ये देखें पशु पक्षी आगमन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम अभी निकल जाएंगे घर के लिए, रवाना हो जाएंगे। सूर्य भी उसके बाद बादलों के बीच नटखटी कर रहा है। भाई साहब हमने दर्शन कर लिया है, ये हमारा प्रिय पहाड़ था जो सोनलगरी का सबसे ऊंचा पहाड़ पहाड़ एक ही है हमारे पूरे सोन में। तो हमने दर्शन कर लिया है, सोमवार को प्रतिश्रवण यहाँ पर जोरदार की भीड़ लगती है, वो भीड़ हमने आपको दिखा ली है, और दर्शन भी आपने कर दिए नंदी महाराज के, भगवान शिव जी के, लेकिन अभी टाइम हो रहा है घर जाने का, ठीक है। तो चलते हैं, अलविदा देते हैं आपसे, और सीढ़ियाँ देख लीजिए, लोग ना अभी भी यात्रा कर रहे हैं। ए बोले ना ठीक है, और हमने अलविदा बोल दिया है अपनी इस यात्रा को, और ये टंकी है, ये जसोल नगरी है, फिलहाल देख लीजिए लास्ट टाइम, और लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है द्वितीय श्रावण का, नहीं श्रावण के द्वितीय सोमवार में आपको अगर ये व्लॉगिंग हमारी पसंद आई है, अगर आप इसको लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले सोमवार के दिन, ठीक है, तब तक गुड नाइट एंड गुड बाय।